रैखिक युग्म कोण है? तो ऐसे दो आसन्न कोण जो एक ही रेखा पर बने, ऐसे दो आसन कोण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जो एक ही रेखा पर बने, अर्थार्थ यानी कि ये भी कह सकते हैं अर्थार्थ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या। ये एक रेखा है, इस पर एक और रेखा खड़ी है, तो ये दोनों आसन कोण है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो भुजा है वो दोनों की सांझी है, और सांझी भुजा के अतिरिक्त जो दो भुजाएं हैं, ये दोनों मिलकर एक रेखा बना रही हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि भी ऐसे दो आसन कोण, ये और ये, जो एक ही रेखा पर बने, अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि सांझी भुजा के अतिरिक्त वाली जो दोनों भुजाएं हैं वो मिलकर एक सरल रेखा बनाए, सीधे रेखा बनाए, तो उस टाइप के कोण को हम रैखिक युग्म कोण बोलेंगे। तो ऐसे दो आसन कोण युग्म जो एक ही रेखा पर बने, अर्थार्थ सांझी भुजा, ये सांझी भुजा है, इसके अतिरिक्त ये और ये, सांझी भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक सरल रेखा में हो, अन्य दो भुजाएं एक सरल रेखा में हो। तो ये आसन कोण है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप बोलोगे कोण ए ओ सी कॉमा कोण बी ओ सी रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनका गुण ये होता है कि इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होगा। उदाहरण के लिए कि यदि कोण ए ओ सी बराबर 60 डिग्री हो, मान लो कि भी कोण ए ओ सी बराबर 120 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी 60 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ताकि दोनों को जोड़कर 180 हो जाए। इसी तरीके से और भी सिचुएशन हो सकती है, मान लो कि भी ये वाला जो कोण है वो 135 डिग्री का है, तो ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा, ताकि दोनों को जोड़े तो 180 डिग्री आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है, ताकि दोनों का जोड़े 180 डिग्री। ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 डिग्री का हो तो ये 130 डिग्री का होगा। यानी कि अगर दो कोण रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं, 180 में से एक को घटा दें तो दूसरा कोण आ जाएगा हमारे पास। तो रैखिक युग्म कोण पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, गुण याद रखना है, कि जो रैखिक युग्म कोण होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है।